अकोला में शिवसेना और बीजेपी पार्षद कार्यकर्ता भिड़े, शिवसेना पार्षद ने तोड़ा माइक, पांडाल गिराने की कोशिश। शिवसेना पार्षद को मेयर ने दो सभाओं के लिए किया निलंबित, शिवसेना ने बीजेपी पर मनमानी का लगाया आरोप। हापुड़ में एक ऑटो चालक ने छात्रा को अगवा करने की कोशिश की, विरोध करने पर रॉड से हमला कर फरार। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में सड़क हादसे में 5 की मौत, कई लोग घायल। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेताओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं को मारी गोली। बीजेपी का आरोप, जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही है उनको बनाया जा रहा है निशाना। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रभाव किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुलगाम में एनआईए ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की, कई घरों की तलाशी। कुलगाम के अलावा शोपिया में आतंकी हमला, एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर से जुड़े नए भूमि कानून पर श्रीनगर में पीडीपी का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने सील किया पार्टी का दफ्तर। महबूबा मुफ्ती ने जमीन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डेमोग्राफी में बदलाव को नहीं करेंगे मंजूर। जम्मू में अपनी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, नए भूमि कानून को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। गुरदासपुर में कांग्रेस की रैली, खेती बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के मुंगेर में गोलीबारी को लेकर हिंसा और बवाल, प्रदर्शनकारियों ने 4 थानों में किया आगजनी, कई गाड़ियां फूंकी गई। प्रदर्शनकारियों ने मुंगेर में एसपी दफ्तर में की तोड़फोड़, एसडीओ ऑफिस को बनाया निशाना। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा, हालात को काबू करने के लिए पलटन के साथ किया फ्लैग मार्च। मुंगेर हिंसा पर हटाए गए डीएम और एसपी, नए अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, मगध के कमिश्नर लेंगे माफ करेंगे मामले की जांच। मुंगेर को लेकर सरपट सुलग रही है सियासत, तेजस्वी नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। आज गुजरात दौरे पर जा रहे हैं पीएम, सुबह 11 बजे दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का करेंगे उद्घाटन, एकता मॉल का करेंगे दौरा, जाएंगे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। इसके बाद जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे पीएम, शाम 5 बजे कई योजनाओं का शिलान्यास, शाम 7 बजे डायनामिक डैम लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन, संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट करेंगे लॉन्च। पीएम के दौरे से पहले केवड़िया में सफाई और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट, गुजरात पुलिस के 20 जवानों समेत कुल 21 लोगों का कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया संक्रमण। बिहार के चुनाव में हुई आरक्षण की एंट्री, नीतीश का बड़ा दांव, जाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की हिमायत। के हाथ का नहीं है जनगणना वाला, हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। वाल्मीकि नगर में वोट मांग रहे थे नीतीश, कहा मैं सालों से थारू जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कर रहा हूं कोशिश। उसी समय कह दिया था इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहाँ को, और तभी हम आपका काम सुनेंगे। वाल्मीकि नगर में थारू जाति के वोटों की ज्यादा है तादाद, नीतीश ने की थी अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग। तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे, ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था। बिहार चुनाव प्रचार बिगड़ा नेताजी का मन, पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की रैली में हुआ हादसा, सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी, लोगों से शांति की अपील करके 10 मिनट में लौटे आरजेडी नेता। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना। देखते हैं कि अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली, महंगाई को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। मोतिहारी में मनोज तिवारी की रैली, संगीत में अंदाज में लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट। समस्तीपुर में चिराग पासवान ने अपने रिश्ते के भाई के लिए किया प्रचार, मुंगेर की फायरिंग का उठाया मामला। हाजीपुर में यूपी के सीएम योगी की रैली, तेजस्वी के वादों को बताया चुनावी झुंझुना। हाजीपुर में तेजस्वी ने दिया नारा, बोले चुपचाप लालटेन छाप।
निकिता हत्याकांड मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगी हत्याकांड की सुनवाई। निकिता केस में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी कर रही है वारदात की जांच। निकिता तोमर घटना को लेकर अयोध्या में संतों ने किया यज्ञ, संविधान की मूल प्रति में राम की तस्वीर अंकित करने की मांग। पंजाब के लुधियाना में 6 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद, जयपुर से होती थी सप्लाई। मेरठ में सिलेंडर में धमाके से उड़ गई कई घरों की छत, 2 की मौत। प्रयागराज में बिजली से चलने वाले चाकू से कुम्हार परेशान, बिजली बिल भरने में आ रही है दिक्कत। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 600 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों का मुफ्त कोरोना टेस्ट, कैंसर के मरीज और रिश्तेदार का टेस्ट 300 रुपए में। यूपी मोबाइल वैन से 36 रुपए किलो आलू और 55 रुपए किलो प्याज बेचा जाएगा, लखनऊ से होगी इसकी शुरुआत। श्रीनगर के डल लेक में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिर से शुरू, सैलानियों में दिखा उत्साह। 24 घंटे में देश में सामने आए 49,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 80,40,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 517 लोगों की गई जान, अब तक 73,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में कोरोना की सुपर स्पीड लगातार, तीसरे दिन बना नया रिकॉर्ड, 5,000 से ज्यादा नए केस। एम्स के डायरेक्टर ने कहा दिल्ली में तीसरे लहर की संभावना। अगर इसी तरह से और जगह भी केसेस बढ़ने शुरू हुए जैसे दिल्ली में हुए हैं तो फिर अभी एक और पीक आ सकता है, तो हमें अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना से एमसीडी के डॉक्टर की मौत, पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। दहिसर में कोविड सेंटर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह साफ नहीं। असम के लखीमपुर जिले में हादसा, चलते ट्रक में लगी आग। भुवनेश्वर के नंदन कानन जू में फिर सैलानियों के लिए बाहर, काफी तादाद में आ रहे हैं यहाँ सैलानी। प्रयागराज में विश्व शांति और कोरोना के खात्मे के लिए की गई शिव की विशेष पूजा, कोरोना भगाने के लिए लगे जयकारे। बलिया में पीसीएस मणि मंजरी राय सुसाइड केस में नगर पंचायत चेयरमैन का सरेंडर, पत्नी बोली मेरे पति बेगुनाह। बाड़मेर में बीजेपी नेता, फायरिंग में बाल बाल बचे, गोली चलाने वाले की तलाश। बर्दवान में पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने एक बैग से बरामद किया बम बनाने का सामान। खेती बिल को लेकर बवाल जारी, अकाली दल ने जाम किया दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे। जाम की वजह से लगी वाहनों की लंबी कतार, अकाली दल ने कहा नहीं चलेगी मोदी सरकार की मनमानी। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ने किया प्रचार, तेजस्वी को बताया घमंडी। उन्नाव में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार, बोले बीएसपी है भाजपा की सहयोगी पार्टी। सागर में भाजपा के प्रचार रथ में महिला का डांस, वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने कहा महिलाओं का है ये अपमान। केरल में बीजेपी की यूथ विंग का प्रदर्शन, गोल्ड तस्करी मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग। पंजाब में रेल रोको मुहिम का कारोबार पर असर, लुधियाना में होजरी का काम चौपट। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी को मिली हत्या की धमकी, सोनीपत में घर के बाहर दबंगों ने लगाई पिस्टल, 4 राउंड चलाई गोलियां। पुलिस के मुताबिक एक लड़की की खुदकुशी और 10,00,000 की उधारी से जुड़ा है मामला। अयोध्या में पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाई महिला की जान, कुएं में गिरी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी शुल्क हटाने की मांग। आज है शरद पूर्णिमा, वाराणसी में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। लगातार दूसरे दिन हेड विकेट हुआ पाकिस्तान, अभिनंदन के बाद पुलवामा को लेकर इमरान के मंत्री ने कबूला सच। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने बताया अपनी कामयाबी, नेशनल असेंबली में इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिया बयान। हिंदुस्तान को घुस के मारा जनाब स्पीकर, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क्यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब है, उसके हिस्सेदार हम भी सब है। बयान में फंसने के बाद फवाद की सफाई, आज तक से बोले मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे के बाद बीजेपी का वार, विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना। तेलंगाना के रामागुंडम में तेंदुए की खाले बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। गाजीपुर में बीएसपी के नेता ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट पर लिखा 2022 के चुनाव में टिकट के लिए पार्टी मांग रही है 2 करोड़। बलिया में नामी बदमाश गिरफ्तार, अपने पिता की हत्या करने के बाद से था फरार। सुकमा में 8,00,000 की नामी महिला नक्सली ढेर, राइफल के साथ मिली विस्फोटक सामग्री। बारामती में ज्वेलरी दुकान के उद्घाटन के दूसरे दिन लूटपाट, लाखों के गहने लेकर बदमाश फरार। चिरांग में भारी मात्रा में हथियार बरामद, खुफिया खबर के बाद ठिकाने पर मारी थी छापेमारी। बाड़मेर में गन पॉइंट पर लूटपाट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बर्दवान में दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, पूरी दुकान खाक। मेरठ में आईजी ने परखी पुलिस की मुस्तैदी, आधी रात को किया इलाके का दौरा। अमरावती में सोयाबीन के ढेर से निकले 10 फुट के 2 अजगर, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से दी मात, आसानी से हासिल किया 173 रन का लक्ष्य। 53 गेंद पर 72 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ बने मैन ऑफ द मैच, 6 चौके 2 छक्के जड़े। रायडू ने 20 गेंद पर 38 रन बनाए, जडेजा ने महज 11 गेंद पर जड़े 31 रन। राणा ने 87 रन की बदौलत कोलकाता ने 5 विकेट पर हासिल किए 172 रन,
गेंदबाजों ने किया निराश। आईपीएल में आज किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल की टक्कर, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस नंबर वन की पोजीशन पर कायम, 12 मैच खेलकर हासिल किए 16 अंक। अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे पायदान पर, 12 मैच में आरसीबी के हैं 14 अंक। 12 मैच के 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स तीसरे नंबर पर, रन रेट पर दिल्ली बैंगलोर से पिछड़ी। प्रीति जिंटा की किंग्स इलेवन पंजाब ने लगाई छलांग, 12 मैच में 12 अंक के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंतिम चार की रेस में, चेन्नई रेस से बाहर।